मजदूर जो है ये लग चुके हैं, है मजबूरी में कि मजदूर में। मी फॉर सजेस्ट दैट, क्या रे तुम लोग कैसे गुंडा बनेगा इतना धीरे धीरे रोपेगा तो। माय पीछे अपन सजेस्ट करम। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो बेबी। तो आज की इस व्लॉग की शुरुआत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में स्टार्ट हो रही है, बिकॉज इसलिए प्रॉब्लम में स्टार्ट हो रही है। शाम के 5 बजे के करीब स्टार्ट हो रही है, ब्लॉग अपलोड हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए पूरे, और प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हो रहा है। इसको मैंने पानी चलाया, टूट गया, फिर इधर हो गया, फिर जा रहा हूँ इसको बराबर करने के लिए। बैठने वाला कोई है नहीं, अकेले सब प्रॉब्लम के साथ ही प्रॉब्लम में लेके प्रॉब्लम करना है सब। तो ईंट रख के जा रहा हूँ उसको प्लास्टर करने के लिए, इसको प्लास्टर करूँगा। अभी इसमें धान वान रोपना स्टार्ट होगा, तो बहन मेरी ढोड़ के यहाँ पे वहाँ पे रखी जा रही है। उनके साथ जा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सही करता हूँ, फिर इसको बराबर करता हूँ, टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। ट्रैक्टर वाला सब गुण अपने अंदर, क्या बात है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बराबर किया, और भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, आप लोगों ने देखा नहीं। ये बड़ी बड़ी वाली दोनों है, दोनों एक साथ बैठ गई थी इस पे, और मैं इसको खींच रहा था, फिर देखा नहीं आप लोगों ने, कैमरा ही नहीं चालू था। ये देखो बीस को छींट रही हैं, छींटने के बाद इधर रोपेंगी, तब तक मैं इधर आपू चुमोरो आपू तो ना लगू अपा इधर ना लगू करूँगा, इधर बराबर करूँगा। तब तक मजदूर जो है ये लग चुके हैं, मजबूरी में कि मजदूर में। तो इन लोगों को आप लोग काउंट कर सकते हो मजबूरी के कारण, नहीं मजदूर के कारण। सो फाइनली 150-150 रुपया देने के बाद 450 रुपया में 3.5 गोड़ी आ गई है बिना रोपने के खातिर। तो भैया लोग देखो, आपको भी 150 रुपया दोगा और रोपने को आगे होगा। 150 रुपये में क्या मजदूरी कर रहे दादा? कितना रुपया मजदूरी कर रही? 300 रुपया भैया, ये तो महंगा पड़ जाएगा, इससे बढ़िया कि अपना खुद का हो जाएगा। एकदम देखो काम अपना शुरू हो गया है, अब काम में रुकावट नहीं पड़ेगा और एकदम कंटिन्यू चलेगा ये करीब करीब 2-3 दिन। सो यार गाइस, इन लोगों ने बिना हद के क्रॉसिंग को तोड़े हुए ये लोग डायरेक्ट भाई मतलब इतना रोप ली, और मैं आधा ही पॉलिश करके बराबर करके रुक गया था बीच में वीडियो को पब्लिश करने के लिए। तो भैया बात यहाँ फंसती है कि अपनी जो भी हस्ती है उसको बराबर करना बनता है, और ये लोग उसको जल्दी जल्दी उसमें आएंगी बीज लगाने के लिए, तो अपने को तो प्रॉब्लम तो बनता है ना, और प्रॉब्लम जब बनेगा तो भाई ये लोग बैठेंगे, और बैठेंगे तो काम रुकेगा तो मेरे को फिर करना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो चलते फटाफट, कल भी ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो ये देखो भाई इतना रोप ली हैं सब मेरी बहनें लोग। यहाँ से फिर से चालू करते हैं अपने रोलर को लेके इधर उधर प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करके फिर मिलते हैं। अगर इस चीज़ को बराबर करने वाले को मेरे यहाँ के लोकल भाषा में बोला जाए, जाता नहीं एक बराबर ओबर करो बात है लेकिन कुल रुबे कर सर, तो जाते नहीं फटाफट बराबर कर रहे नहीं तो बाद में दिक्कत हो खिलाएगी। ये है हमारा भोजपुरी लैंग्वेज। अरे तू नहीं चला सकता है, ये ले ले ले, ले पकड़ो। क्या बनाओ जोरी बा? क्यों नहीं खेले? क्या बना तू? ये क्या बोल रहा है? बोल रहे कि कोई क्या बोल रहे? क्यों नहीं खेले? क्या बना तू? तो सामने से ना देख ले, वीडियो में थोड़ा ना देख ले बा, गोलू के क्या बने ना, क्या गुंडा सब जाना था कि गोलू वीडियो बना ना। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? गलत सलत तो उल्टा उल्टा कुछ दिखाई दे रही है, ऊपर का नीचे तो नहीं दिखाई दे रही है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं दिखाई दे रही है ना तुमको, ऐसे ऐसे कैसे दिखाई दे रही है? दिल में दर्द सा जगा है, काटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो हो हो, दिल में दर्द सा जगा है, काटा सा कहीं लगा है, अब बकरी चरावा ये नहीं तो कौन है, हो ये भगवान क्या जुलुम है। हेलो, क्या नाम है? कि मेरा नाम विजय है, और ये मैं नेक्स्ट डे
आप लोगों का नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूँ। कल के डेट में काफ़ी अंधेरे में व्लॉग वीडियो बना रहा था, बट अभी वैसा सीन नहीं है, अब थोड़ा उजाला हो गया दूसरे दिन। और अभी जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे, फिर उसी काम को निपटाने। तो इधर है अपने अपने झोले में खाद। भैया जी बात ऐसा है, जैसा भी हो मतलब खरे नहीं नहीं, अभी कुछ और बोला, उधार लगे कहीं नहीं हुई मिल गई। अभी आयला बोला कि क्या करने आया था, बोल रहा था कुछ दूसरा है। पानी ये कैसे रंग बदल रहा है गिरगिट के जैसे? अच्छा कभी बोल रहा आया हूँ पानी चलाने, कभी बोल रहा आया हूँ बकरी चराने, कभी आया है कुत्ता चराने। सिटू सिटू सच्चाई बता, बकरी लेके आया ना? हाँ हाँ भाई, ये ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। शिरो ब्लॉग में आएगा मैदान में, और मैदान तुझे एकदम फ्रेश ताजा प्लेन हो गया पापा के द्वारा, पापा ने द्वारा प्लेन कर दिए, आधा छोड़ दिए थे ना कल के ब्लॉग में। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा जी हैं। अरे बंदरिया फेफड़ी चिमड़ी छिपकली माता श्री क्या कर रही हो? उखा रही है। कितना आटा उखा रहा माँ? दस लोड़ी उखा रही है मम्मी। ठीक है तुम लोग दस लोड़ी रोपो, दस लोड़ी उखा रही है मम्मी। तो गाइस मैं तो चल रहा हूँ बीज उखाड़ने के लिए, बाकी का फिर ये वो बाबा। एक उत्तरीयसन थोड़ा काम जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ तब तो काम होगा। जा रहा हूँ बीज को उठा उठा के लेके जा रहा मैं। ये देखो जो है खाद पताई जो ही है पप्पा ले गए, एक में मिक्स कर रहे हैं और इसमें सीटेंगे। ये पकड़ो रे सब। क्या रे तुम लोग कैसे गुंडा बनेगा इतना धीरे धीरे रोपेगा तो? जय श्री राम। खेत में खाद छीटना स्टार्ट हो गया गाइस, स्टार्ट। मी फॉर सजेस्ट दैट, तो सजेस्ट माय पीछे अपन सजेस्ट करम को, इनको सजेस्ट करम पापा को, पापा सजेस्ट करम मम्मी को, तो दोनों लोग अपने को सजेस्ट करम कुछ ना कुछ। खेत में से पूरा टोटली बिया उखाड़ लिए, इतना सा बस बचा हुआ है, ये देखो पीछे बस यहाँ पे बैठ के पानी पी रही है। थोड़ा सा बाकी है इधर ही कहीं, थोड़ा सा इतना 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 चौड़ा बनाएंगे। ठीक है दो चार दूसरा वाला साटा बनाए हैं। दूसरा वाला साटा बनाने के बाद ये देख सकते हो ये बीज वगैरह छीट जा रही है, और इसमें अब बीज वगैरह खसेंगी गाइस। तो भैया ये छीटने वाला है और छीट रहा है, यहाँ से छीट रहा है वहां तक। आज के इस व्लॉग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करो एंड चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।